हाय गाइस, तो मैं ये क्रीम बनाने लगी थी अपने लिए, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर विद यू। सो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए कोई भी मॉइस्चराइज़र। मैंने यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने लिया है एलोवेरा जेल। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, मैंने पतंजलि का यूज़ किया है। और ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ये मैं रैंडम क्वांटिटीज़ डाल रही हूँ, आप भी रैंडम क्वांटिटीज़ के हिसाब से ले सकते हो। और नेक्स्ट मैंने लिया है ये रोज़ हिप ऑयल, जो मैंने पर्पल से परचेज़ किया था पिछले साल। इसकी एक्सपायरी डेट 2022 तक है, तो नो प्रॉब्लम। मैंने एक ड्रॉपर फुल भर के डाला है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने ली है ये विटामिन ई कैप्सूल्स, यानी कि इवियन 400 की 2 कैप्सूल्स मैंने इसमें डाली है। ये क्रीम मैंने लास्ट ईयर विंटर्स में भी बनाई थी, और मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी थी। इससे मेरे पिंपल मार्क्स चले गए थे, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, जो कि मेन पर्पस होता है हमारा, कि कोई दाग ना रहे और स्किन सॉफ्ट रहे। तो नेक्स्ट चीज़ यह है कि इसको कब इस्तेमाल करना है। आप फेस वॉश करने के बाद मॉर्निंग में और नाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ऑयली स्किन वाले इसको सिर्फ विंटर्स में ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें इतना सारा ऑयल है और विटामिन ई कैप्सूल भी डली हुई है, जो कि थिक होती है बहुत। लेकिन जिनकी स्किन ड्राई है, वो इसको 12 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारी चीज़ें ऐड करके आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है फॉर गुड 4 to 5 मिनट्स, और इसकी जो कलर होगी वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे डव का शैम्पू है, या फिर वाइट शैम्पूज जैसी इसकी टेक्सचर हो जाएगी। देखो ये सीरम जैसी दिख रही है, जैसे डव का शैम्पू या लॉरियल का शैम्पू होता है, वैसे दिख रही है। तो लेट्स अप्लाई दिस, बिकॉज दिस इज रियली नाइस। आपके पिंपल मार्क्स चले जाएंगे इससे, और आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, जितनी थी उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। आई बेसिकली यूज़ इट इन विंटर्स ओनली, क्योंकि विंटर्स में ही मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं इतने ऑयल्स लगाना अफोर्ड कर सकती हूँ अपने स्किन पे। अगर समर सीजन होता तो मैं ये नहीं लगाती, आफ्टर फेब्रुअरी मैं ये लगाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स हैं, फिर रोज़ हिप ऑयल है। तो ये सब आप, अगर आपकी ड्राई स्किन हो तो आप सारा साल लगाओ, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे मेरी है, तो आप इसको सारा साल नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये लग गई, और ये पिंपल मार्क्स सब कुछ इसी से देखना 1 वीक में चले जाएंगे, कितने कम हो गए ऑलरेडी, और ये आगे भी ये धीरे धीरे चले जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।